सिंगार छोटो तन पे एक साड़ी मोटी है और राजा पे केवल धोती है तो रोहित पे सिर्फ लंगोटी है। ये तीनों प्राणी जब बिकने के लिए जा रहे हैं तो जेठ की दोपहरी है, नीचे जमीन गर्म है, आगे तीनों प्राणी बड़े हैं तो प्रजा रोती रह गई। लेकिन राजा हरिश्चंद्र ने विश्वामित्र से कहा कि स्वामी जी मेरी प्रजा को कष्ट मत देना। तीनों प्राणी जब आगे बढ़े हैं तो रोहितास की उस समय उम्र 11 वर्ष है तो रोहितास के पैरों में छाले पड़ने लगे। अब रोहितास बोला, मैया काशी नगरिया यहां से कितनी दूर है, अब हमसे चला नहीं जाता। तारा ने अपने पति से कहा, महाराज मेरे बेटा की तरफ देखो, धूप के मारे चेहरा काला पड़ गया और पैरों में छाले पड़ गए, मेरे बेटा को थोड़ा सा जल पिलवा दो। हरिश्चंद्र कहने लगे, तारा पागल मत बन, जहां तक हमारा राज्य है तहां तक पानी पीना तो बहुत दूर रहा, हम पानी की तरफ देख भी नहीं सकते। बेटा को गोदी में ले लो तारा। तो तारा ने पुत्र को गोदी में ले लिया है और गोदी में लेकर के तारा आगे बढ़ी है। तो एक रानी थी जिसके एक इशारे पर हजारों दास दासियां नाचते थे। वो आज वो रानी ककरीली पथरीली जगह में चल रही है और बेटा को लेकर के जब जा रही है तो तारा जमीन पर गिर जाती है। विश्वामित्र ने पीछे मुड़ के देखा, हरिश्चंद्र यह तुम्हारी रानी तारा नाटक दिखा करके हमें भगाना चाहती है, ढोंग दिखा करके हमें पिघलाना चाहती है। तुम तीनों में से एक भी मर गया बहुत बड़ा घाटा होगा। तारा बोली, स्वामी जी अब देखो मेरी तरफ, मेरे पैर पड़ी गए छाले में कैसे चलूं, मित्र समझ गए कि ये तीनों प्राणी बहुत दुखी हैं और ये तीनों प्राणी कुछ खाएंगे नहीं, कुछ पिएंगे नहीं, तो काशी में ने खरीदने वाला कोई नहीं है। और ये बात सत्य है
कि जब मवेशी को पेट में ले जाता तो पहले से पहले बाकी सेवा करी जाता है। अच्छा चारों खवाओ जात, घंटरिया बांधी जात, सींग चुपरे जात। तो मवेशी को जब पेट में ले जाते सेवा करी जाते, और ये तो तीनों प्राणी हैं, कुछ खाएंगे नहीं कुछ पिएंगे नहीं, तो काशी में खरीदने वाला कोई नहीं है। तो एक तोमी में जल लेकर के आया और कहा कि आप ये पानी पियो, आपके ओठों पे पापड़ी पड़ रही है। तो राजा रानी ने तो मना कर दिया, स्वामी जी हम मर सकते हैं लेकिन जल नहीं पी सकते, मेरे पुत्र को पूछो। रोहितास से कहा कि बेटा तुम ही जल पी लो। तो देखो रोहितास ने क्या जवाब दिया कि स्वामी जी ये रोहित मर सकता है लेकिन धर्म को नहीं छोड़ सकता। कान लगे बेटा अगर पानी नहीं पियोगे तो मर जाओगे, क्योंकि बिना पानी जिंदगानी बेकार। इस पानी के ऊपर मैंने एक बहुत अच्छी रागड़ी लिखी है, और ध्यान देना पानी शब्द जगह जगह आया है, और पानी के पीछे कब कैसे कहां क्या क्या हुआ था जरा गौर करें। तो भी दुबाई गई पानी में,
सीता चुरा के तब पालो तरी गो पानी में। अरे हनुमान ने लंका जराई गई पूछ बुझाई ऊपर पानी नीचे पानी हम तुम बैठे पानी में। जिनकी आंखें में पानी ना होवे तो डूबे मरो तुम पानी में। जिनकी आंखें में पानी ना होवे तो डूबे मरो इसीलिए बेटा अगर पानी नहीं पियोगे तो मर जाओगे। पानी बिना जिंदगानी बेकार है, अकारण है। मेरी माता बहनों, तीनों प्राणियों को लेकर के आज विश्वामित्र काशी में पहुंचे हैं। काशी में जाकर के एक ऊंचे टीले पर खड़े हो गए और ऊंचे टीले पर खड़े होकर के जवाब देते हैं काशी के लोगों, आज हम तीन प्राणियों को बेचने आए हैं। जिस किसी को बच्चे की दासी की जवान की जरूरत हो वो आकर के खरीद सकता है। और भक्तों, तीनों प्राणी अब तो बिक रहे हैं लेकिन खरीदने वाला कोई नहीं आ रहा। तो काशी में जावा तो हल्ला होएगा। तो सब लोग काशी के दौड़े हैं। काशी में एक रहने वाली वैश्या जो धंधा करती है ना, वो वैश्या भी चली है लेने। तो गांव के लोग चिल्लाने लगे, भैया इस औरत को वैश्या खरीदेगी। तारा रोने लगी, प्रभु अब मेरा धर्म एक वैश्या के हाथ में जाएगा तो धर्म ही छीण हो जाएगा। भाइयों, तब तक कालू नाम का मेहतर आता है और 20 बार सोना देकर के हरीशन को खरीदता है। अब हरीशन तो बिक गए, केवल रानी तारा और रोहितास रह गया। अब हरीशन सोच रहे कि चलो मैं तो बिक गया, मेरे सामने मेरी पत्नी और मेरा पुत्र भी बिक गए। तो एक ब्राह्मण ब्राह्मणी ने आकर के 40 भार सोने में रानी तारा को और रोहितास को खरीदा। तीनों प्राणी जब बिके हैं तो एक पुत्र बाप से जब अलग हुआ, एक पत्नी जब पति से अलग हुई, तो उस समय भक्तों तीनों की आंखों से आंसू बह रहे थे। रोहितास ने भागकर के पिताजी की धोती पकड़ी है। पिताजी आप ये क्या कर रहे हो, आप हमें छोड़ के चले जाओगे तो हम तुम्हारे बिना कैसे रहेंगे। चलते समय अपने बेटा को छाती से लगाया है और कहा, लाल कोई ऐसा बाप नहीं है जो अपनी औलाद को बेच देगा, कोई ऐसा पति नहीं है जो अपनी पत्नी को बेच देगा। लेकिन लाला, आज धर्म की बहुत बड़ी परीक्षा है और मैं तुम्हें धर्म के पीछे देख रहा हूं। तारा से कहा कि तारा तुम धर्म की रक्षा जरूर करना। और तीनों प्राणी भक्तों जब बिके हैं, तीनों प्राणियों का जब विषय हुआ है तो तीनों प्राणी सोच रहे हैं आज जो बिकता हरिश्चंद्र पे है यही बिकता राजा नल के ऊपर पड़ी थी, जो राजा नल की पत्नी का नाम था दमयंती और अपनी पत्नी को लेकर के
राजा नल ने एक तेली के घर में जाकर के नौकरी की थी, और जब पेट भरने के लिए भोजन नहीं मिला तो जो कोलू से खर निकलती थी वो खर खा करके और राजा नल ने गुजारा किया था। थोड़ी